नहीं, मरा नहीं हूं, नॉट येट। अगर मैं मर जाता तो क्या हुआ था आपको पता नहीं चलता, लेकिन बताने के लिए एक कहानी अभी भी बाकी है। वैसे मेरी ये हालत उस कहानी का अंत है, लेकिन कुछ कहानियों का अंत जब ऐसा होता है तब एक नई शुरुआत होती है। ये उस कहानी की शुरुआत है। Who's there? Units, we're approaching 8th. Converge on 8th. Shit, he's picking up speed. Keep on him, we're gonna lose him in the city. तुमने देर कर दी तो मैं घबरा गया था। मैं आदि हूं अंकल। फिर भी हमें ये सब खत्म करना है ना? ठीक है भास्कर अंकल। दक्षिण केरल के कुछ ऊंची जात वालों को परेशानी हो रही थी। उन लोगों की आदत और हरकत की वजह से उनकी जमीन और जायदाद लूट रही थी। अब वो लोग कर्ज लेने लगे और अपने घर गिरवी रखने लगे और धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ खोने के बाद वो लोग वहां से ये सोचकर निकले थे कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे।
और ठीक उसी तरह इस शहर की भी कहानी है। वेलकम टू डिट्रॉयट, अमेरिकाज मोस्ट डेंजरस सिटी। एक जमाना था जब यह शहर सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोजगार देता था। उस जमाने में इस शहर में कई कंपनीज और फैक्ट्रीज, खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू हुई थी। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका के जितनी भी बेस्ट सिटीज थी उनमें से डिट्रॉयट नंबर वन थी। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू लास्ट एंड इट वॉज। 1967 में ब्लैक रेवोल्यूशन हुई थी, वो विनाश की शुरुआत थी। वहां के काले लोग सिर्फ सरकार और ऊंचे पद के अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि गोरे लोगों के पूरे समाज के खिलाफ थे और उनका क्रोध भड़का। दुनिया को रोजगार देने वाला डिट्रॉयट शहर जलकर राख होने लगा। दुनिया में अब ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया में होने लगी। स्लोली द वर्ल्ड लुक्ड अवे। अब धीरे धीरे डिट्रॉयट में कंपनीज और फैक्ट्रीज बंद होने लगी। इस तरह इस शहर में कई लोगों का रोजगार मिलने का सपना टूट गया। अब इस शहर में सिर्फ एक ही कारोबार जोरदार चलने लगा, क्राइम, एंड दैट फ्लरिश्ड। बढ़ती बेरोजगारी वाले इस शहर में गैंग वॉर्स और ड्रग ट्रैफिकिंग होने लगी। कैनेडा का डिट्रॉयट के पास होने की वजह से क्राइम करके उधर भागना आसान था और इस तरह से कैनेडा से डिट्रॉयट और डिट्रॉयट से कैनेडा लोगों का आना जाना होने लगा। और उसी भीड़ में केरल का एक परिवार भी डिट्रॉयट आया। ये कहानी उनकी है, ये कहानी हमारी है। ये परिवार भी दक्षिण केरल से सब कुछ खोने के बाद यहाँ रोजी की तलाश में आया था। दे गेव अप डिट्रॉयट एंड अस, वी डिडंट। इसे बताने से पहले तुम एक बार फिर से सोच लो। MGR फूटी कौड़ी के बिना आया, बड़ा आदमी बना और जनता की सेवा की। मैं भी कुछ इन्हीं के जैसा हूं, एक भी पैसे के बिना डिट्रॉयट आया। जनता की सेवा यह मुझसे नहीं हुआ, मैं कर ही नहीं पाया। जानते हो क्यों? इनके जैसे लोग ही हमें गंदी नाली का कीड़ा समझकर हमेशा दबाते रहते थे। अरे सावर तो गर्म है, थोड़ा और डालो ना। Well, I don't understand what the hell are you saying at all? We had a plan, Boris. Red X is mine, only mine. And you knew it. But Antoni said... अब ये जब कभी भी आईना देखेगा तो इसे दामोदर की याद आएगी। ये बात जाकर एंथनी से कह देना। चंद्रन, सांबर। ये भी ना। दामोदर, 27 साल पहले जब सिविल वॉर शुरू हुई थी तब दामोदर अपना देश छोड़कर यहाँ आया था। वो सिर्फ मारपीट और गैर कानूनी काम जानता था। जब उसने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया तब वो बहुत छोटा था। समुद्र और जंगल के रास्ते से होते हुए दुनिया के कई देश और शहर से गुजरते हुए वो किसी तरह पहुंचा टोरंटो। जिंदगी और मौत से हर पल लड़ते हुए वो आदमी अब जिंदगी को करीब से देखने लगा। बट लाइक एवरी सिस्टम दैट फंक्शंस, इट टू हैड टू क्लेंस इटसेल्फ। अब जिंदगी की दूसरी इनिंग के लिए दामोदर को इस शहर में आना पड़ा और यहाँ उसने फिर से जिंदगी की शुरुआत की, डिट्रॉयट में। भेदभाव की वजह से पूरे बर्बाद हुए डिट्रॉयट शहर में दामोदर के हाथ एक नया धंधा लगा, रेड एक्स।
डेट्रॉयट्स लेटेस्ट पार्टी ट्रक। उसने वहां से नई शुरुआत की और ऊंचे मुकाम तक पहुंच गया। एंड मी, आई हैव अ रोल टू प्ले इन दैट। ये रख लो। नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हिसाब इसके साथ खत्म होना चाहिए। आदि, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम दोनों साथ रहेंगे तो क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। I have a big plan for you। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। A deal is a deal। आपने वादा किया था कि इस काम के बाद मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। Now leave us alone। Hey! किससे बात कर रहा है तुझे पता है? इसने जो कुछ भी कहा इसमें गलत क्या है ये बताओ ना। हमने कर्जा चुका दिया, अब हमें छोड़ दो। भूल गया, इससे पहले तू अकेला आया था और इसी तरह तूने बात कही थी, याद है ना ये कैसे हुआ था? सेल्वन, आदि बिल्कुल सही कह रहा है। अ डील इज अ डील। यू कैन गो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, ऑन द स्ट्रीट ऑफ डेट्रॉयट तुम हमेशा मेरे ही आदमी कहलाओगे। डर, उसका मतलब क्या था उस दिन मुझे समझ में नहीं आया। बट एज आई वॉक्ड अवे आई वॉज अफ्रेड। इनके बारे में जान के भी बिना कुछ किया आपने उन्हें छोड़ दिया। जब कोई ठान लेता है कि उसे जाना है तब उसे रोकना नहीं चाहिए सेल्वन। इट्स ओके, वापस आने के लिए उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा। कैसे? एवरीबडी हैज समथिंग टू लूज, फाइंड दैट। कथकली मेक्स यू मोर सेल्फ अवेयर एंड गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। सभी औरतें यही चाहती हैं। टीनेज प्रेगनेंसी से लेकर डोमेस्टिक अब्यूज की समस्याओं के लिए पीड़ित लोगों को एक मौका हम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद रिकवर कर सकें। हमारी फाउंडेशन पीड़ित औरतों के लिए ये छोटी सी सेवा कर रही है। व्हाट यू हैव डन फॉर द कम्युनिटी इज रियली ग्रेट। ये सब आपने शुरू कैसे किया? एनी पर्सनल और ट्रेजेडी एक्सपीरियंसेस? सॉरी दीपिका, लुक एट यू, where are you going like this? It's none of your business, mom. Listen, Deep. देख वो आ रही है। हाँ। Let's go, man. Hi, Deepika. Hi, Aju. डिटेक्टिव अहमद सदीक, ड्रग पेडलिंग करने वालों के पीछे पड़ने वाला सख्त ऑफिसर। मिशिगन से इस एंटी ड्रग पेडलिंग ऑफिसर को खास बुलाया गया है। यह ड्रग पेडलर कार्लोस के अलावा एक और कारण से इधर आया है। डिट्रॉयट अंडरवर्ल्ड में साउथ इंडियन प्रेजेंस। बॉर्न टू अ श्रीलंकन तमिल फादर एंड अ मलयाली मदर, अहमद इज फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस। गोदिया, दैट कैमरा 3, कैन यू एनलार्ज इट? फुल स्क्वायर, होल्ड इट। हाँ, टेक दैट नंबर। यू नो नितिन, आई माइट हैव टू रिन्यू माई ओल्ड कॉन्टैक्ट्स टू इंक्रीज माई टास्क फोर्स। यू थिंक दिस माइट बी द रिपीट ऑफ टोरंटो? लेट्स होप इट इज नॉट। डिग अप द फाइल्स ऑफ ऑल द लोकल गाइज, क्रिमिनल्स, रिफ्यूजीज, एवरीथिंग, पीपल हु मूव्ड हियर इन द लास्ट 5 years एंड दोज हु आर वंडरिंग एज वेल। All right. क्या है ये? Red X, Detroit's latest party drug. क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? स्टॉक की कोई कमी नहीं है,
स्टॉक बेचेगा तो तुझे कमीशन मैं दूंगा। नहीं करना मुझे, मेरे पास और भी दूसरे काम है। Yeah, right. तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Come on, let's dance. Come on, dance. मेरा भी मूड नहीं है डांस करने का। बहाने मत बनाओ, छोटे बच्चे हो क्या? Come on, let's dance. चलो आओ ना। She's right. कुछ चीजें मैं भूल नहीं पाया। घर में मां बाप की लड़ाई, मेरे न चाहते हुए भी वो सपने बार बार मेरी आंखों के सामने आते हैं। लो कॉफी पी लो। आप थक गए ना भास्कर अंकल, इस जगह से, इस जिंदगी से। क्या कर सकते हैं। अगर ये काम हमने छोड़ दिया तो। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, गांव का कर्जा चुकता करके गांव में एक NRI अकाउंट खोलकर और बच्चों के नाम में FD डालकर मैं और मेरी बीवी कहीं भी जाकर रह लेंगे। आप दोनों को स्पेशली बुलाना पड़ेगा क्या? आकर खाना खा लीजिए। चलो खाते हैं। आपको बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये दिन भर क्या करता है मैं भी नहीं जानती। बताओ कहाँ थे तुम? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। तुम पक्का उसी लड़की के पीछे भाग रहे होगे। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है। पता है प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी है? आज तुमने सिर्फ दाल ही बनाई है। नहीं, मटन फ्राई भी है, दूं क्या? जब बाप को ही शराब पीकर घर आने में शर्म नहीं आती तो बेटा तो ऐसा करेगा ही ना। मतलब गलती मेरी ही है। इस घर में क्या क्या हो रहा है किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये सब सोचकर तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। हम अपने गांव को छोड़कर यहाँ आए लेकिन पैसा कमाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं भी गैराज में आऊं क्या? लो सुन लो, बस इसी बात की कमी थी। अरे उसे आने दो ना, वो काम सीखेगा तो अच्छा ही है ना। घर में थोड़ी मदद करने की कहो तो बाप और बेटा बाहर जाने की सोचते हैं। पर घर में प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है पिछले 4 दिनों से सिंक से पानी नहीं जा रहा है। बस इतना ही? अरे आदि ठीक कर देगा ना। क्यों आदि, है ना? हाँ, वो तो कर ही देगा। हाँ। Thank you. ये है राजन कुरियाकोस। मॉडर्न डे डिट्रॉइट की सक्सेस स्टोरीज में से एक इनकी है। ऑरलैंडो यूनिवर्सिटी से राजन ने मास्टर्स डिग्री हासिल की। स्टूडेंट हाउसिंग में ब्रोकर के काम से शुरुआत की। मिशिगन यूनिवर्सिटी में से एक मौका मिला और इसने पैसा इन्वेस्ट किया। फिर नॉर्थ डिट्रॉइट में अपनी एक रियल एस्टेट फर्म खोली RK एजेंसी के नाम से। हाय सीमा। हाय। ओपनिंग हो गई? हाँ, बस अभी ये खत्म हुआ। हाँ। राजन को पता है मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? राजन ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया और मैंने अपने फ्रेंड्स को। मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक्सक्यूज मी, कम दीपिका, चलो ड्रिंक ले लो। या लेट्स।
वो नई सेक्रेटरी कौन थी? कौन? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे क्या पता तुम किसके बारे में पूछ रही हो। पिछली बार भी जब मैंने पूछा था यू हैड द सेम आंसर। फिर शुरू हो गए। क्या कहा तुमने? छोड़ो ना राजन। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। मैंने तुमसे जो पूछा सिर्फ उसका जवाब दो। राजन, मैंने सोचा था तुम दोनों माँ बेटी कम से कम आज तो नहीं लड़ोगी। अहमद, अब मैं यहां और नहीं रह सकता हूं। मेरे पेपर्स का क्या हुआ? तुम्हें अपने पेपर्स की पड़ी है? पिछले दिनों मैं पोर्ट में गया हुआ था, उसके बारे में तुम्हें क्या पता? पोर्ट? कौन से पोर्ट? ऐसा जवाब मत दो अहमद, प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैं वो काम नहीं करता हूं। टोरंटो से शहर में आने के बाद तुम्हारी हेल्प करने वाला सिर्फ मैं ही था, और अब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छी बात है, तो फिर तुम अपने बैकग्राउंड और एसआईएलएम एप्लीकेशन की बात भूल जाओ। ओके, कुछ नए लोग अब ये धंधा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पोलैंड वाले के साथ उनकी मीटिंग भी थी। चंद्रन को अमेरिका में शरणार्थी का स्टेटस चाहिए था। उधर पोलिश और श्रीलंकन गैंग के बीच कई सालों से लड़ाई चल रही थी। टू बी ऑनेस्ट, There is no space for you. चंद्रन जो केरल से था, उसे खुद नहीं पता था कि वो डिट्रॉयट अंडरवर्ल्ड का मीडिएटर कब बन गया। I have been kicked out my house twice. चंद्रन ने सोचा कि एंटनी जो पोलिश गैंग लीडर था, उसे दामोदर रत्नम नाम के नए खिलाड़ी से अगर मिलवाया जाए तो एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो सकता है। He was wrong. One week. You have 1 week to get back to me. Damodar, please, let's go. Chalo. I'm not with the deal. Come, Damodar, come. भाई चलो। दोनों पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर ये लड़ाई शुरू हो गई तो it will take us all. ये नई पार्टी कौन है? अशोका बार। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। हेलो। हाँ, मैं अभी घर में नहीं हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, मैं अपने गार्डन के लिए कुछ सामान लेने आई हूँ। चाहिए तो आप नैन्सी के घर में दे दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके बाय। Are you okay? Call 911.
Just look at this. Registered last year under RK agencies. Your phone is buzzing. Give me a copy of this. Hey, Seema. अभी तुम कहाँ हो? कोई और हिंट नहीं है जो तुम हमें बता सको? सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। हे मैन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? ओके। सीमा, आर यू ओके? एक आदमी बहुत जल्दी में मेरी तरफ दौड़कर आया, मुझे कुछ नहीं हुआ। गो अहेड एंड साइन इट, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हे, क्या हुआ मेरी पुरानी सीमा को? यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल, इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। Why the hell were you shooting at me, huh? Tell me! It was Anthony. He wanted to send Damodar a message. You tell him I do not work for Damodar anymore. Okay? Hey Bhaskar, the customer saying that he needs his car anyhow today. He didn't sound happy. A day more, man. Just tell him that we'll give him the car back tomorrow, okay? All right, man. हाँ बोलो। फिर मैं उधर से अपनी गाड़ी निकाल कर चला गया। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। किसका नाम? उस लड़की का। वो भी इंडियन थी। ओह, तब तो तुम अपनी जन्मपत्री साथ लेके जाओ ना, रिश्ता भी आगे बढ़ाने की बात कर सकते हो। नसीब अच्छा था कि जान बच गई। पागल, सच में अब तुमको थोड़ा बचकर रहना होगा। दामोदर ने सही कहा था, यहां जितने दिन भी रहोगे ना, बाकी की गैंग वाले यही समझेंगे कि तुम उसी के आदमी हो। अगर मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना होता तो कभी का बचा चुका होता। मैं उस गाड़ी को रेडी करता हूं, उससे $10,000 तो मिलेंगे। वो पैसे आप अपने घर दे दीजिए।
This guy I have seen somewhere. Maybe Toronto? Maybe. I don't know. Adi bhaiya. Adi bhaiya. 1992 model. $800. अगर आप चाहो तो उससे मस्त बना सकते हैं। तो उधर से 12-13 का पाना लेकर आ। ओके। मैं सीरियसली कह रहा हूँ और ये मजाक समझ रहे हैं। इनको राजी करना बहुत मुश्किल है। दीपिका? दीपिका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा गैराज है। अच्छा? अरे वो आधे समय पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। किसी तरह स्टार्ट करके यहाँ तक लाई हूँ। किसी शोरूम में ले जाती? अगर किसी शोरूम में ले गई तो लाइसेंस, इंश्योरेंस, जन्म पत्री भी मांगेंगे वो, इसलिए यहाँ इस भंगार शॉप में। वाओ। हाँ? आदि भैया, उस कार को जल्दी से रिपेयर कर दो प्लीज। है? ये 78 पॉन्टियाक है। रॉन्ग, 69 पॉन्टियाक है। फोक व्हील्स, लोड ऑन कर्लओवर्स, ड्रैग रेडियल्स, वाओ, इम्प्रेसिव। हाँ, तुमने सही कहा, अभी 69 है, लेकिन 5 साल पहले जब हम इसे जंकयार्ड से लेकर आए तब 78 ही था। मैं और आदि भैया ने इस पर बहुत मेहनत की और इसे मिलकर बनाया। And this is definitely not a stock engine, right? Yeah, engine. Nope. Swapped off the 350 for a 455 big block V8 fully built. Oh. Tumhari BMW coolant leak hone ki wajah se overheat ho gayi hai. Tank aur pipe ko badal kar EC ko recalibrate karna padega. Jisme 2 din lagenge. Kya? 2 din lagenge? Ek kachra garage hai na, utne din to lagenge. Nahi to isse showroom le ja kar de do. Shayad wo log jaldi kar denge. I like it. Okay, I'll call a cab home. Hey, ऐसे कैसे? मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। हाँ, लेकिन तेरे पास गाड़ी कहाँ है? For the ride. मैं कल आपके वर्कशॉप में आ सकती हूँ क्या? बस यूं ही आपका काम भी देख लूंगी। किस खुशी में? आ जाओ ना, एनी टाइम। वैसे भी कल मैं फ्री हूँ। ओके। भैया, अच्छा हुआ गाड़ी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, और तू वहाँ वर्कशॉप में फालतू बैठकर क्या करेगा? हाँ, तुझे आने की जरूरत नहीं है। ये कौन है? उसकी दीदी है क्या? कैसी बात कर रहे हो आदि भैया, वो उसकी माँ है। खूबसूरत है ना? डेट्रॉइट के सूखे जगह में हमें अलग से रहना पड़ रहा है, लेकिन ये जगह जो एक जमाने में द हार्टलैंड ऑफ अमेरिका थी, यहाँ हर एक कोने में एक मौका है। ठीक से खेलेंगे तो ये हमारी होगी। यहाँ इस जगह से विल रूल डेट्रॉइट। लेकिन यहाँ मुझे क्या करना है? पैसे हम देंगे, तुम जो खेलना चाहते हो खेलो, यहाँ इन्वेस्ट करो। बाय द टाउन फॉर अस। But you know, money laundering is a big crime here. कितने परसेंट कमीशन देने से वो क्राइम नहीं होगा? हम्म?
कराज ग्रीस एंड ओल्ड स्कूल मसल, इट्स सो सेक्सी मैन। कभी कभी तो ऐसा लुक देता है ना, ओ गॉड आदि। तुमने तो जैकपॉट पर निशाना लगाया, अगर उसे तुमने फंसा लिया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे ओ बेवकूफ, इस वीकेंड को शैरन के फार्म हाउस के बेसमेंट में एक पार्टी है, कम से कम $3,000 रेडएक्स का सेल्स होगा। अब ये रेडएक्स और आदि भैया के बीच में क्या संबंध है? अरे तू भी बेवकूफ है, पूरे शहर में तेरे आदि भैया सबसे बड़े रेडएक्स के डीलर हैं, हम सब उसके चेले हैं, तू अभी बिल्कुल नादान है जू। लेट्स गो मैन। King City. मुझे तो बस चारों तरफ गंदगी नजर आती है। तुम जहाँ पले बड़ी हो वहाँ की एक्चुअल रियलिटी तुमने अभी तक देखी नहीं है, अगर देखी होती तो ट्रस्ट मी यू वुडंट बी कंप्लेनिंग अबाउट योर लाइफ। तुमने बहुत आसानी से कह दिया, बाहर वालों की नजरों में मेरे पास सब कुछ है, रिच डैड, प्रिटी मॉम, बिग हाउस, बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन करीब से देखेंगे तो कहने के लिए सही है, तो तुम्हारा घर और परिवार तो है, लेकिन क्या फायदा? हमारे अपने जब अपने नहीं होते तो ये सब होने का क्या मतलब है? ये सब कुछ किसी काम का नहीं। You know, the only world I feel I belong in is yours, आदि। सुनो, काफी देर हो गई है, और देर करेंगे ना तो मम्मी पापा से हमें डांट सुननी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, मुझे पता था उसका उस पुलिस वाले के साथ जरूर कोई संबंध है। इसी तरह एंथोनी को भी हमारे प्लान का पता चलता है, ऐसा रहा तो मुश्किल हो जाएगी भैया, जल्दी कुछ करना होगा। हे हे, व्हाट्स अप? आज जल्दी कैसे आ गए? स्पाइडरमैन होमकमिंग के दो टिकट्स मेरे पास हैं, सो आई वाज थिंकिंग मे बी मूवी, डिनर, मी एंड यू। वेट, लाइक ऑन अ डेट? या तेरे साथ डेट? अजू, यू आर रियली क्यूट एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। ओके, अच्छा सुनो, इस हफ्ते ग्रैंड ओपेरा के बीच में कॉन्सर्ट है, क्यों ना हम दोनों उसके लिए ड्राइव पर जाएं? या फॉर श्योर, पर दीपिका ड्राइविंग करके जाने के लिए गाड़ी में आदि है ना, उसकी गाड़ी में, इट बी ऑसम। या ओके, व्हाटएवर। दे आर जस्ट नॉट योर टाइप डूड, काम आने पर वो लोग तेरे पास दौड़ कर आएंगे, तुझे पकड़ कर रोएंगे, और काम होने पर वो अपना अगला शिकार ढूंढेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करे यार, सच तो ये मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो आदि भैया को पसंद करती है, कैन यू बिलीव इट? तुझे देखकर बुरा लग रहा है यार, लेकिन हंसी भी आ रही है। देखिए यार, एक्चुअली मुझे ना आदि भैया जैसा बनना है, तेरे जैसा बनना है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? रास्ते में बता दूंगा, उसमें जाने के बाद तुम्हारे सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे, और एक बार दरवाजा बंद हो गया
तुम वापस नहीं आ पाओगे। जानता हूं, ये बता मुझे करना क्या होगा। तुम पक्का फैसला कर चुके हो? हाँ कर चुका हूं यार। डिट्रॉयट में ड्रग ट्रैफिकिंग इन द स्ट्रीट्स जिनके हाथ में था वो ट्रांसपोर्टर्स थे एंड आई वॉज द बेस्ट। मुझसे पूछे बिना दामोदर के लिए जो काम करने वाला था वो था अच्छा। ये रेडेक्स है, कोई खेल नहीं। तू कर पाएगा तो बता। हाँ वो करेगा। रात को 11 बजे ग्रेहॉन्ड्स को दे दो, लो। डिलीवर करने के बाद सुबह इधर आ जाना, और अगर तूने गड़बड़ की ना, ये नया लड़का है यार, सुन इसे समझा दे। हाँ जाओ। किसी भी तरह से यह डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पैग है ना? नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम इसे एक कबाड़ी से लेकर आए थे, और अब इसको देखो जरा, इसका तो लुक ही चेंज हो गया है। अब क्या करोगे इसका? वैसे इसके पेपर्स नहीं अपने पास? इसलिए तो अभी भी इधर ऐसे ही पड़ा है, नहीं तो कभी कभी बेच के पैसा कमा लिया होता। कैसे भी रजिस्टर करके इसे लीगल करना पड़ेगा। जिस दिन अज्जू कॉलेज पास आउट करेगा उसके हाथ में इसकी चाबी दूंगा। ये गाड़ी उसी के लिए है। अब तक उसका फोन नहीं आया, क्योंकि अगर उसका फोन आ जाता ना तो अब तक रानी का भी फोन मेरे पास आ जाता। जब तक वो सेटल नहीं होगा टेंशन बनी रहेगी। क्या करूं, बाप हूं ना। लेकिन वो तो आपका फर्ज है, आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही बढ़ेगा। आजू के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा लड़का है। डरना जरूरी है क्योंकि वो मुझे और तुम्हें देखकर ही बड़ा हुआ है। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में रहकर साल में 2 बार अपने देश जाकर लोगों ने दुनिया देखी है, और वो अपने आप को ये कहते हैं, जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग तो गल्फ में मौजूद है भाई। द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। सब चूर चूर हो गया। अब 3 हो गए ना, लाइए मुझे दीजिए, मैं रख देता हूं। रानी आंटी का फोन कॉल के लिए वेट नहीं करते। हाँ ये चलिए। थैंक यू। हे होल्ड ऑन, कैन आई सी सम आईडी? अज्जू भास्कर, तुम मलयाली हो क्या? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ग्विन। ग्विन? एक्चुअली इट्स फार फ्रॉम हियर, राइट? या। इतनी दूर जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई लगेज नहीं है? वो मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। अभी जा रहे हो, रात को ही वापस आ जाओगे? हाँ, इसमें पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? इट्स इन यूएस, राइट?
Check him up, please. Arms up. Spread your legs. He's clean. ठीक है जाओ. Bad tip, I guess. Maybe. Come on, let's go. Let's go. आदि, ये राजन तुम नहीं आ रहे हो? नो, आई जस्ट चेंज माय माइंड. और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे दूसरी पारी में जाना है. मैंने तुम दोनों से पूछने के बाद ही उन्हें हाँ कहा था ना. चलो कपड़े चेंज कर लो, तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो. मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी. इट्स गोना बी सो बोरिंग. बोरिंग रियली? पार्टी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें इस तरह की चीजें चाहिए होती है ना. आपको किसने मेरे कमरे में जाने के लिए कहा? ये सब क्या है दीपू? ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की थी क्या? ये सब कौन सिखाता है तुम्हें? इसके बारे में आपको कहने की जरूरत नहीं है. और वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ. आपको कुछ भी कहने का हक नहीं है. I hate you. दीपिका, दीपिका. Well done. यहाँ बैठकर उसकी हरकतें देखने से अच्छा है कि तुम उसे समझाओ, उससे कुछ कहो. हाँ? देखो तुम माँ बेटी की लड़ाई के बीच मैं क्या बोलूं? राजन, वो अभी सिर्फ 16 साल की है. उसे नशे की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है. अगर तुम एक बाप होकर उससे बात नहीं कर सकते तो फिर तुम बहुत जल्द उसे खो दोगे. देखो मैंने तुमसे 100 बार कहा वो नहीं चाहिए थी, पर उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी. किसी की बात नहीं मानी और तुमने उसे जन्म दे दिया. तुमने सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की, मेरी भी कर दी. सिर्फ 22 साल में बाप बन गया था मैं. कम ऑन सीमा, ये तुम्हारा डिसीजन था. राजन ने समझ, अब जाओ करो जो करना है. इस वक्त यहां क्यों आई हो? तुम दोनों कहां जा रहे हो? यू शुड गो दीपिका. मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलो ना. नहीं, तुम नहीं जाओगे, ना सिर्फ अभी बल्कि कभी नहीं. अज्जू से मिलने तुम यहां कभी मत आना, अब वो भी यहां नहीं रहेगा. मुझे यहां से भगा रहे हो? सब लोग मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हैं?
You should ask yourself that. Adi, please. मुझे यहाँ से जाने को मत कहो. I like you so much. Adi, Adi, please. Go home. अगर मैं क्लाइंट बन गई तो तुम्हारी क्लाइंट बनकर तो मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना? What did you say? तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं है? हम सब जानते हैं तुम क्या करते हो. तुम उसे ले जाकर कहीं भी छुपा दो, परवाह नहीं. लेकिन तुम जानते हो कि मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है. तो तुम वो करो जो तुम हमेशा करते आए हो, और मुझे वो दो जो मुझे चाहिए. रेडेक्स. और अगर ना दूं तो? यहाँ से पुलिस स्टेशन का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हूँ आदि, और वहाँ जाने के लिए मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए. हैंड टू हैंड हाई स्कूल में और पार्टी ड्राइव में ड्रग सप्लाई करने वाले को अरेस्ट करने के लिए उनके लिए एक नाबालिग लड़की की स्टेटमेंट काफी होगी. Don't ever come back. Thank you so much, Adi. Keep the change. Gaadi mein baith. हमारे कर्म से हमारा भविष्य जुड़ा होता है, ये उस रात मुझे समझ में आया. मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूं, और मुझे पश्चाताप हुआ. लेकिन मैंने अब तक जो भी किया था उसका अंजाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा, ये मैं अच्छी तरह समझ गया. दिस नाइट, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड. आदि भैया, दीपिका बहुत अकेली है. मुझसे नाराज होकर उससे दूर मत जाइए. उसकी लाइफ में कोई और नहीं है भैया. क्लीवलैंड पहुंचते मुझे मैसेज भेजना. मार्क, यू आर गुड टू गो मैन. बाय मैन. I wish life had signboards. अच्छा होता हर एक रास्ते पर जिंदगी हमें साफ साफ इशारा करती, लेकिन ऐसा नहीं होता. It doesn't. दीपिका, दीपिका उठो, दीपिका. हेलो.
मैं समझा क्या होता है। अभी खोने के लिए बहुत कुछ है। मेरे सामने मौत मंडरा रही थी एंड आई वॉज अफ्रेड। अजू का फोन आया था, वो पहुंच गया और लॉज में चेक इन भी कर लिया। मैंने उसे कुछ बताया नहीं। आदि, उस लड़की के साथ जो हुआ वो तकदीर का खेल था। उसे भूल जाना ही अच्छा होगा। सिर्फ तुम ही सोचते हो कि उसकी मौत का कारण तुम। उसका कारण मैं नहीं हूं भास्कर अंकल, और नहीं हम में से कोई है। ये झूठ हम अपने आप से और कितने दिनों तक कहते रहेंगे? तो बताओ, और कर भी कह सकते हैं। आदि, जब भी कोई समस्या होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब मैं करूंगा और सिर्फ मैं ही करूंगा। भाई वो आ गया। अब सिर्फ मुझे अपने आप पर भरोसा था और मन में ये डर था कि अपनी बाकी की जिंदगी में जब कोई समस्या होगी उनसे लड़ पाऊंगा या नहीं। मेरी वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सिर्फ मुझे ही करनी पड़ेगी, ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दी। बट आई वॉज रॉन्ग। उसे छोड़ दो, मुझे क्या करना है। छोटी उम्र से ही इसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इसका पेट भरने के लिए ही मुझे पहली बार काम करना पड़ा था। भाई का प्यार ऐसा ही होता है। दामोदर, तुम और यहां? जब तक मैं फैसला नहीं लेता तब तक तुम अपने भाई के लिए मेरे साथ काम करते रहोगे। शूट हिम। नहीं, ये काम नहीं करूंगा। मुझे पता था। यू ऑलवेज हैव टू पिक अप अ साइड, चंद्रन। There is a war coming, Adi. Like it or not, you are on my side. Over 1600. Detroit के upper class लोग दीपिका की मौत से हैरान थे। Detroit में ड्रग की वजह से मौत की संख्या 1600 पहुंच चुकी थी। That was big news. लेकिन इस कहानी में दीपिका का क्या रोल था, ये मैं नहीं समझा।
अभी मीडिया वालों से बात मत करना, एक दो दिन के बाद वो लोग चले जाएंगे। सीमा, मैं जानता हूं तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, बट दीपिका की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मरी, ये तुम भी जानती हो। असल में क्या हुआ था ये हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा। ऑफ कोर्स पता लगाना होगा, लेकिन यहां नहीं, उसके स्कूल और फ्रेंड से पूछकर। हमें तंग मत करो प्लीज, हमें परेशान मत करो। एक बात और सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम दीपिका की मौत का बहाना बनाकर यहां आना शुरू कर दो। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको तुरंत बता देंगे। सीमा, तुम्हें आराम की जरूरत है। अहमद, किसी और बच्चे की मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो करने को मैं तैयार हूं। अजू को दीपिका की मौत के बारे में बताया? आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा, न्यूज में भी तो बताया होगा ना। इस सब की हमें जरूरत नहीं है, हमारे गांव में हमारी जो जमीन है उस पर हम घर बनाकर चैन से जिंदगी बिता सकते हैं। अब उसके बारे में सोचना बेकार है, मरने तक हमें यहीं रहना होगा। चंद्रन, चंद्रन की मौत अहमद के लिए एक डेड एंड बन गई। पोलिश गैंग और दामोदर के बीच चर्चा के लिए अब कोई मीडिएटर नहीं था, और दामोदर यही चाहता था। अब सब आमने सामने होगा। द मोर आई थिंक अबाउट इट, I can't afford war. It's bad for business from all ends. This is a good choice for you. I need a month. You owe me that much time. 3 weeks. On the day of Marzana, you get to go out. Kisi maksad se Damodar Anthony se time mang raha tha. Then are you giving Taki me 3 weeks? Taki wo chhod sake Red X ki monopoly Anthony ko dekar. Polish mafia ko bhi sambhalna tha. 3 weeks till the day of Marzana. लेकिन दामोदर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो 21वां दिन था। उस दिन सिर्फ मरजाना अकेले नहीं चलने वाली थी। Are we done?
We are done. Now get out of here. तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सुधरोगे। मैंने कई लोगों से सुना था पर कभी विश्वास नहीं किया। मेरी बात सुनो। अब तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, समझे तुम? तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है ना? ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। हमारी बेटी की मौत को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और अगर तुम मुझे इस तरह से धोखा देते रहे तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बताओ। जो चीज घर पे नहीं मिले वो बाहर मिलता है तो कभी कभी हो जाता है। क्या कहा तुमने? देखा, ये तेरी प्रॉब्लम है। तेरे साथ इस घर में रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अगर दीपिका के साथ थोड़ा भी नरमी से पेश आती तो वो आज हमारे साथ जिंदा रहती। मैंने उसके साथ गलत बर्ताव किया, ठीक है, लेकिन तुम तो उसके बाप थे ना। दुनिया भर की औरतों के साथ घूमने के अलावा काम क्या था तुम्हें? तुमने क्यों नहीं समझाया उसे? तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बकवास बंद कर। I hate you. मैं अब कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे है। उस वक्त तो मैं अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे गुनहगार ठहरा रही हो। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये मेरी कमाई है और तुम जो खुशी मुझे नहीं दे पा रही हो वो मुझे बाहर ढूंढनी पड़ रही है। When you are with us, you don't have to bother about anything. That's really good, hey. Man. Hey, look there. Come on, look there. Come. Come, let's try. Okay, let's try, bro. Hey, baby. Why don't you give me some love? You can choose one at a time. What do you say? I see blood on you. Are you the type who likes a little rough? Oh, she's biting. Leave her alone. Who is she to you? Doesn't matter. Leave the lady alone. Hey, you listen. Go away from here. Otherwise, you'll face the problem. We can do this 2 ways, guys. The nice way or the hard way. Wow. I think we should choose the hard way. Nice way or the hard way? Man, leave it. Oh.
मेरा घर है। अपना मोबाइल फोन दो। ये मेरा नंबर है, कोई जरूरत हो तो कॉल करना। गुड नाइट। सीमा, सीमा वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, इसलिए वो जिंदगी से परेशान थी। उस दिन जब मैंने अपने आप से कहा कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा, तब मुझे पता था वो मेरी सेकंड चांस है। लेकिन कभी कभी सेकंड चांस बहुत महंगा होता है। What am I supposed to understand in this? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक रात हमारे घर आती है। वो यहाँ रहने वाली है और कितने दिन रहेगी पूछने पर यू टेलिंग मी यू डोंट नो। सना प्लीज जरा चुप हो जाओ। कहो तो बेटे को लेकर मायके चली जाती हूँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, राइट? सना प्लीज मुझे एक दिन के लिए माफ कर दो, ओके? मुझे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है, अब तो मुझे तैयार होने दो। शाम को घर लौटने से पहले मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए उसके साथ अच्छे से पेश आओ, ओके? मदद करो, उसे घर से निकाल दिया गया है। अहमद तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम सोच रहे होगे मुझे नंबर देकर गलती करती। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी की मौत हो गई, उसके बिना मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो गई, बहुत खालीपन है। और तभी मेरे पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, ये मुझे अभी पता चला। ये कल ही की बात है। इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है, कल तुमने मुझे वहीं ड्रॉप किया था, उसका घर। लेकिन अभी भी तुमने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का कुछ इंतजाम कर पाओ तो। तो कल जिस घर पे मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, मेरे फ्रेंड का परिवार उस घर में रह रहा है, तो मेरा वहां पर रहना ठीक नहीं। थैंक्स। तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे पिताजी नहीं हैं, उनकी मौत की खबर मुझे 2 दिन के बाद मिली थी। और मेरी माँ ऑरलैंडो में एक ओल्ड एज होम में रहती हैं। ये सब उनको बताकर उन्हें क्यों दुख पहुंचाऊं, इसलिए। कुछ दिनों के लिए तुम एक होटल या सर्विस अपार्टमेंट में रह सकती हो। उन सब जगह रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं आदि। कई सालों से मैं सिर्फ राजन की पत्नी और माँ बनकर ही जी रही थी, और इस बीच में रिश्तेदारों से दूर हो गई। अब मुझे ये सोचना है कि जिंदगी जीने के लिए मेरे आगे कोई रास्ता है या नहीं, या ये देखना है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या नहीं। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तुम मुझे कॉफी पिलाकर सॉरी कहकर चले भी जाओगी तो चलेगा, मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। कॉफी मैं पिलाऊंगा, इसके बाद हम यहां से साथ चलेंगे। आखिर वो गई कहां? तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है राजन, ये सवाल तुम उससे जाकर पूछो। आधी रात को अपने घर में रहने देने से पहले अगर तुमने ये सोचा होता कि वो किसी और की बीवी है तो मैं ये सवाल नहीं पूछता। आधी रात को अपना घर छोड़कर यहाँ आने की उसकी वजह मैं जानता हूँ। उसने मना किया इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो डोमेस्टिक अब्यूज के केस में तुम अंदर होते। राजन, दामोदर और उस आरके एजेंसी के बीच का संबंध और तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, ये सब मैं जानता हूं। जब ये केस खुलेगा तो तुम नहीं बचोगे राजन।
ये मेरा घर है, तुम्हारे रहने के लिए जगह काफी होगी। आदि, मैं कैसे तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? तुमने कहा था कि तुम्हें पूछने वाले कोई भी नहीं है, और फिलहाल तुम्हें होटल या फ्लैट में रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स। आदि, ये क्या किया तुमने? उस लड़की के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस इसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, और तुम कौन हो और ये यहां क्यों रह रही है इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा उन्हें। आदि, शायद उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आदि, कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, फिर भी उन्हें अपना समझकर हमने मदद की। अब जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करने दीजिए। Your pizza is here. Just leave the pizza. Money is under the mat. What? No tip? Listen, just leave the pizza and get out. Easy, easy. Just leave me, man. थोड़ी सी टिप तो रखनी चाहिए थी ना। अब तुम ज्यादा नाटक मत करो दोस्त। Let's go. मैं रानी हूँ, पास वाले घर में रहती हूँ। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ। बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि यहाँ खाने के लिए सिर्फ सूखा ब्रेड ही मिलता है, इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं, खा कर देखना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं सब जानती हूँ। ईश्वर सबकी परीक्षा लेता है ताकि हम उसे भूले नहीं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जब खत्म हो जाएंगी तब एक बार हमारे घर पर जरूर आना, ठीक है? आओगी ना? तुम भी साथ आना। बच्चों को ना देख पाने का दर्द किसी और को हो या फिर ना हो, एक माँ को जरूर होता है। Thank you.
कहने के लिए तो ये टिपिकल अमेरिकन क्लिशे है. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी, और डिलीवरी के बाद माँ से और बाकी की दुनिया से विद्रोह. अब ऐसा लगता है ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था. अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं. आई नीड टू मूव ऑन इन लाइफ. और सबसे पहले मुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा, वो जगह जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती और जहां मुझे कोई नहीं जानता. कहीं भी जाना चाहती हूं. सीमा, मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहिए. मुझे कुछ नहीं जानना. तुम क्या थे या कौन थे मुझे कुछ नहीं जानना. Going to be the same again. I don't want it to be the same. मेरे किए हुए कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा. काम खत्म होते हम यहां से चले जाएंगे साथ साथ. इसे जाकर गोडाउन में रखो. क्यों भाई? किसी वजह से हमारे प्लान में गड़बड़ हुई तो इन पैसों से हम नई शुरुआत करेंगे. जाओ. क्या हुआ? वो वापस यही आना चाहता है. फोन मुझे दो. सुनो, तुम अभी यहां मत आना. हाँ, जब यहां के हालात सही होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब आ सकते हो. तुम्हारी वजह से यहां सब के सब. इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फिटेस्ट हु सर्वाइव, इट्स दोज हु बेस्ट एडॉप्ट टू चेंज. जब से डिट्रॉइट आया, दामोदर अपने लक्ष्य को अच्छी तरह जानता था. He wanted to own the system, be the king. चंदन की हत्या से लेकर एंथनी के दबाव तक उसने अपनी टीम सॉलिड बनाई. And now, it was time for the final act. वो चाहता था डिट्रॉइट से फुसी की हो. ये दामोदर रत्नम का मास्टर स्ट्रोक था. एक और जरूरी काम है, आदि को मैं टपका देता हूं. ऐसा मत करना सलवन. अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिए. और अगर सब सही हुआ तो? पुलिस खत्म कर देगी और फिर डिट्रॉइट हमारा होगा. बोलिए भास्कर. देखो, ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए. मैं मेरे बेटे को
यहां वापस लाना चाहता हूं। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं करोगे। तुम बहुत कुछ मांग रहे हो भास्कर। लगता है इसने अपना सारा कर्जा चुका दिया है ना भाई। ये सब इतनी आसानी से कैसे होगा? मैं जानता हूं मुझे क्या करना है ये बताओ, पर उसके बाद ये सब खत्म होना चाहिए। हो जाएगा, सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, उसके बाद सब खत्म। लेकिन ये काम सिर्फ आदि करेगा। हाँ ठीक है, वो करेगा। अजू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, उसका भाई भी तो है। ये भाई खून का रिश्ता जज्बाती फिल्में मैंने बहुत देखी हैं भास्कर, लेकिन ये प्यार का पागलपन जो है ना, वो उस नशे में ये प्यार, रिश्ता, भाई और खून का रिश्ता सब भुला देता है। संभल कर भास्कर। नहीं नहीं, वो करेगा, नहीं तो मैं उससे एक काम जरूर करवाऊंगा। बताओ उसे करना क्या होगा? यह काम सिर्फ आदि का ही नहीं है, तुम्हारा भी है। इसमें मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गाड़ी चलाना बहुत पसंद है ना, तुम सिर्फ उतना ही करो। सिटी सबब्स में हमारा एक ट्रक है, सबकी नजरों से बचाकर उसे बताई हुई जगह पर पहुंचाना है। उसके बाद हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अजू की वजह से जो कर्ज हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। एक बार बोलने से तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तो क्लीवलैंड में होटल के रूम में बैठने से क्या लगा तुम्हारा भाई हमसे बच जाएगा क्या? सेल्वन, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम जितना भी जानते हो सब कुछ हमें बता दो शॉन। ये दीपिका का दोस्त है। What do you mean? ये आदमी उस दिन दीपिका को हॉस्पिटल ले गया था। I guess we should go to the hospital. Yes, we'll go. मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूं, अज्जू को आप नहीं बचा पाएंगे, आप जानते थे भास्कर अंकल। फिर भी आप मुझसे पूछे बिना उस आदमी से जाकर क्यों मिले? तो और क्या करता, तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाते। एक लड़की के मिलते ही तुम मुझे और मेरे परिवार को भूल गए, सूख गए हैं। मेरी आंखों के आंसू अब सूख गए हैं। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसका बाप होने के नाते अगर मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं तैयार रहूंगा। बिल्कुल आप में जरा भी दिमाग नहीं है क्या भास्कर अंकल? उसने जैसा कहा वैसा करेंगे तो भी वो अजू को नहीं छोड़ेगा। और हम दोनों के बीच इस दरार का कारण कौन है, सीमा या उसकी बेटी जो मर चुकी है? नौकरी नहीं करनी थी इसलिए जब हमने वर्कशॉप खोलने का फैसला किया तब आप किसके सामने हाथ फैला रहे थे, उस समय आपको सोचना चाहिए था। हाँ सही कहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। अगर मैं अच्छे खासे परिवार वालों के जैसे सोचने वाला इंसान होता ना तो तुम जैसे अनाथ को मैं उठा के नहीं लाता। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे दो चाचा उसके बावजूद तुम्हारा ये हाल है। मैंने तुम्हें अपने परिवार जैसा रखा हमेशा, लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया? तुम्हारे दोनों चाचाओं में से पलट के किसी ने नहीं देखा, ये समझ में नहीं आया?
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे अपनाना नहीं चाहिए था। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आज आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। अब मेरी सुनिए, जिस दिन मैं अज्जू को लेकर आता हूं उस दिन आप मेरे लिए अपना दरवाजा खोलना। चले जाओ, यहां से चले जाओ, अज्जू अपनी बेटी और आंटी को लेकर। गड़बड़ मत करना, हम तेरे आने का इंतजार करेंगे। बोलो। दामोदर्स प्लान, द डे ऑफ मर्जाना। ठंड के मौसम के विदाई और वसंत ऋतु का आगमन करना ये एक पॉलिश रिवाज था। द डे ऑफ पीस, इस दिन का एक और नाम होने वाला था डेथ संडे। तीन मर्डर होने वाले थे एट द सेम टाइम। एंथनी का अकाउंटेंट नोवैक, उसे मारने के लिए दामोदर ने भास्कर अंकल को चुना। पोलिश माफिया का लीगल कंसल्टेंट एंथनी का राइट हैंड मैन कोवास्की, उसे मारना सेल्वन का काम था। बोरिस एंथनी का सोतेला भाई एंड हिज ओनली वीकनेस, उसे दामोदर खुद मारने वाला था, बिकॉज दैट वॉज पर्सनल। गैंग के ये तीन आदमी मौत के बारे में सुनकर वो ही करेंगे जो हमेशा करते हैं। प्रेसिडेंसी होटल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाएंगे जहां पूरा पोलिश अंडरवर्ल्ड मौजूद होगा, एक साथ इकट्ठा होगा। इस काम के हो जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। डेट्रॉयट मुझे चाहिए। No, don't press the trigger. I said don't shoot, man. Deliver and walk away. Deal हमेशा ऐसी होती है, लेकिन उस दिन मैंने वो किया जो मैं कभी नहीं करता। रुका और पीछे मुड़ा। दामोदर, इस ट्रक में एक बम रखा हुआ है।
तुम्हें मेरा काम करना चाहिए था आदि। तुम्हें साफ साफ बता देना चाहिए था कि मुझे करना क्या है। देखो आदि, तुम्हें बताई हुई जगह पर ट्रक को छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद यू आर अ फ्री मैन। अ फ्री मैन? इतने लोगों को मारने के बाद आई एम अ फ्री मैन? कौन है ये लोग? ये लोग पुलिस वाले हैं क्या? आदि, तुम सोचते बहुत हो, ये गलत है। यू मेड अ बिग मिस्टेक मैन। आदि, जस्ट डू इट। तुम्हें मेरे लिए इसे करना ही होगा। ये ट्रक तुम अब कभी भी, यू विल नेवर गोइंग टू सी दिस अगेन। सुनो आदि, रानी हमें इसी वक्त निकलना, इसी वक्त निकलना है हमें। ज्यादा सामान नहीं, बस कम से कम सामान लेना। क्या क्या हुआ है? तुम्हारे सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। जो मैं कहता हूँ बस वो करो, सफर के वक्त तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बेटा मैं बोल रहा हूँ, तुम पहली बस में चढ़ जाओ। हम लोग आज ही डेट्रॉइट छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, इधर मत आना, हम तुम्हें गैराज में ही मिलेंगे। हम सब उधर ही जा रहे हैं। ओके आदि, आदि आदि, कहाँ है वो? किधर है आदि? कहाँ है? Who are you? हमारी एक चीज उसके पास है, मांगने से वो दे नहीं रहा है। अगर आप उनसे कहें तो। Get out of my house, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सलवन, सलवन, सीमा, बचपन में मेरी माँ कहती थी, लड़कियों को परेशान मत करो, गलत है ऐसा करना। तो वैसा करने के लिए मुझे मजबूर मत करो प्लीज। अभी वो कहाँ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ही हैज टू चॉइसेस। पहला, वो चीज जहां पहुंचानी है पहुंच जाए, और दूसरा, वो हमें वापस करके यहां से जा सकता है। उसके आने तक मैं यहीं पर रहूंगा। वैसे मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूं। तुम्हारे बाल तो गीले हैं, तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है ना? दामोदर, दामोदर आया था यहां पर, बता देना आदि से। हेलो, रिवाइंड जस्ट अ लिटिल बिट। यस, फ्रीज, फ्रीज दैट। ओके, यस, दिस इज द गाय। इसी ने दीपिका को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। दीपिका की मौत के बारे में हमने उसके कॉलेज, उसके फ्रेंड सबसे पूछताछ की, एंड एवरीवन पॉइंटेड अस टू शॉन। वो उनके कॉलेज में रेड एक्स सप्लाई करता था, एंड ही पॉइंटेड दिस गाय आउट, सो ही न्यू दीपिका समहाउ। पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि यह दामोदर के लिए काम करता है। तुमने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? हे अहमद, 200 counted dead, Poland's most significant gang members. Something big's going to happen. Come fast. I've got to go. Seema, he's going to take care of you, okay? Guys, let's go. Seema? Seema? सलवन, तुम जल्दी से जाकर वो पैसे लेकर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो आज कहां फटेगा पता नहीं। वी शुड नॉट बी इन द सिटी फॉर सम टाइम। जल्दी लेकर आओ। तो फिर आप
मेरी चिंता मत करो, प्लान है आज नहीं तो कल डेट्रॉइट हमारा होगा। सेल्वन जरा संभल कर। मामी अजू भैया साथ आएंगे ना? ये लड़का पता नहीं कहां चला गया। भास्कर, दामोदर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो प्लीज। मैं जानता था कि वो काम तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन अभी मैं उसके लिए नहीं आया। कहाँ है आदि? मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कहां है, उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा था कि वो तुझे धोखा देगा, देखा तूने? तेरे परिवार के बारे में सोचे बिना वो कमीना कहीं लापता हो गया है। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भास्कर। मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा, देखना। अभी भी तुझे उस पर भरोसा है? हाँ? मेरे पास अभी सिर्फ 6 घंटे हैं, उतने समय में अगर उसे यहां लाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। सॉरी भास्कर, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद सब खत्म है। लेकिन भास्कर, ये मत भूलना कि तेरी मौत की वजह मैं नहीं हूं, वो आदि है। Forgive me, brother. Forgive me. तुमने मुझसे कहा था ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फोन कट मत करना सीमा, मुझे जो कहना वो कहने दो, शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग समवेयर एंड माइट नॉट कम बैक। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूं, मैं भी किसी को भी मुझे अपनाने के लिए नहीं कहता हूं। और जब मैं तुमसे मिला तो उस वक्त खुद जाने बिना ही तुम्हें अपना समझने लगा,
यू शुडंट, आई डोंट डिजर्व इट, बट फॉर दिस वन टाइम एंड द लास्ट टाइम एवर, मैं जो कह रहा हूं वो तुम सुनो। स्टे हियर, आई विल बी बैक। Josh, we are good to go. Josh? Josh? सेल्वन, सेल्वन अब कभी नहीं आएगा। आदि, आदि बाहर आ, तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आदि, 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 Ugh.
देयर कम्स अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी हैज टू गिव अप आदि. Like I said, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरना है. I don't have to. What? Anthony. He's all yours. I didn't like what he did. को दे देना जिससे वो अपने गांव में अपना घर खरीद पाएंगी और अज्जू और उसकी बहन को पढ़ा पाएंगी और बाकी के पैसों से वो अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं.
टेक माय कार एंड ड्राइव, चलाते जाओ। और वहां चले जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता, और तुम उस जगह अपनी एक नई शुरुआत करना, और कभी कभी वापस मत आना। हो सकता है हमने जो जिंदगी जी थी उससे हमने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन हमारी वजह से किसी को नई जिंदगी मिली। एंड फॉर दैट, जस्ट दैट, मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहता हूं, ताकि अनकही बाकी की कहानी उसका अंत होना चाहिए। सीमा, एवरी स्टोरी डिजर्व्स एन एंड, लेकिन कुछ कहानियां, खासकर इस तरह की कहानियों का अंत ही एक नई शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत अब होगी।